घर ही नहीं है भाई, 5 नहीं है अभी, अभी 9:03 हो रहा है, इसके लिए 5 बज रहा है क्योंकि अभी सो के उठा है ये। विराट कोहली एमआरआई वाला बैट कर रहे हैं, नया नया बनने वाले हैं। किसको किसको रिप्लेस कर रहा है? विराट कोहली को। बाप रे, नहीं भाई खेलता भी है वैसे ही है। एक अपना धोनी इधर है, इधर आ गया धोनी भी है। ओ निकोलस पूरन है। निकोलस पूरन, निकोलस पूरन है। हाँ, ये कहाँ का बैट्समैन है ये? वहाँ का ना, वेस्ट इंडीज वाला? नहीं रे, होनोलुलु का। अच्छा, होनोलुलु वाला। अरे यार, होनोलुलु वाला बैट्समैन है ये अपना, खेलता भी होनोलुलु जैसा है। पहला आएगा पूरा ताकत मारेगा, उसके बाद एज लग के आउट है, पूरा ताकत डाल देगा लेकिन कुछ नहीं होगा। और उस दिन याद है जब हम लोग बैटिंग कर रहे थे, मेरा जो था वो टेस्ट वाला मैच खेल रहे थे, इतना जोर जोर से बॉल मार रहा है, इतना जोर जोर से बॉल मार रहा है इसे, हाँ यहाँ वाला अलग था भाई इसका, थ्रो पे थ्रो। हाँ, ये देखो ये एक्सरसाइज करने वाले लोग, टानो उसको। हाँ हाँ, ढीला छोड़ो। अबे क्या कर रहा है, लो पेंट्रेंस लटकाए के। ये वाला कौन सा एक्सरसाइज है भाई? कुछ भी करे मेरे को दर्द ठीक हो जाएगा। कहाँ दर्द हो रहा है? रुको बता रहे कौन से करेगा। ऐसे नहीं, देख ऐसे, वो ठीक है, यहाँ यहाँ वाला दर्द है ना पीछे, ये पकड़ो ठीक है, इसको स्ट्रेट करो, उसके बाद फिर यहाँ करो, फिर छोड़ो, और तेरा तेरा रिकॉर्ड कर, फिर से बता रहे ठीक है, यहाँ तो ऐसे लो, इसको यहाँ पकड़ो, ऐसे करो, इसको यहाँ तक लो ठीक है, ये पूरा वेट जो है पीछे पड़ेगा, फिर तो तुम्हारा जो ये वाला एक्सरसाइज है ना, यहाँ वाला यहाँ वाला हो जाएगा, कर लेंगे जी, करेगा नहीं वो पता है, वो रशियन होने का। हाँ रशियन, हाँ उतना नहीं पीछे नहीं, आगे आओ थोड़ा, तुमको प्रेशर हो ही ना, पूरा सीधा करो हाथ, हाँ बस और क्या, और तुम जितना आगे जाएगा उतना ज्यादा तुमको प्रेशर फील होगा, तोड़ मत देना उसको तुम, आज इसका दर्द ठीक होना हो लेकिन इसके हाथ में और कंधे में जरूर दर्द होगा पक्का से, देख दो बिल्ली आपस में बात करते हुए, जब तू इसको बुला रहा है उछल के आएगा यहाँ तक। देखिए तो देख रहा है, तुमको ही देख रहा है सवाल। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस कर रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। 9:30 गए हैं अभी, रेडी होके जल्दी से जाना है कॉलेज, और कॉलेज और हॉस्पिटल वाट एवर इट इज, तो वहाँ जाके फिर अपना काम करना है। अभी जल्दी से रेडी होते हैं, चलते हैं। भाई सब अपने रेडी हो रहे हैं अभी। एक और दिन, एक और शुरुआत, फ्राइडे की तैयारी। हाँ आज तो जुम्मा भी है, आज शायद भाई को बाहर भी जाना होगा। पेशेंट लोग, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में ये पोस्टेड है उस डिपार्टमेंट में सारा कुछ डिपेंड करता है पेशेंट पे, अगर पेशेंट सही टाइम पे आ गया तो फिर ठीक है, नहीं आया तो फिर तो ये देख रहे हो, और जो डार्क सर्कल दिख रहा है ना, ये रात में पड़ने की निशानी है, रात में पड़ता है। हाँ, हम लोग आ गए खाना खाने के लिए, यहाँ अपना भाई खाना खा रहा है, उधर चावल चल रहा है, अपना रोटी सब्जी और सलाद। एक और है बंदर आ रहा है अभी, नहीं है बॉयज हॉस्टल में एकमात्र लड़की है, और वो हम लोग के साथ बैठती है, वो रशियन है, और वो रशियन है मतलब मीन्स बोल सकता
और ये ब्लॉग हम लोग बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, ताकि उसका बच्चा लोग देख सके। तो अपना खाने में आज दाल, जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो ठीक है। आगे, 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 आगे। अच्छा यस काटना पड़ेगा। तो अपने खाने में ये धोखा है, सो बेसन का बनता है पनीर टाइप का, इधर सलाद अपना रोटी और दाल, दास गुप्ता का भी सेम और सोएब का भी सेम। नहीं नहीं खाना नहीं, हम लोग ही खा सकते हैं, आप लोग नहीं खा सकते हैं ये खाना। इधर अचानक से मौसम पूरा बदल गया है, इधर भी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। ये इसका ज़रूरत है यार, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा धूप हो गया था और इसके कारण गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद सामने कैसा पूरा पानी भर चुका है इधर। अभी अपना शिफ्ट खत्म हुआ लेबर ड्यूटी का, अभी देखो पूरा रूम में पानी भर गया है। ये खिड़की खुला रह गया था, और खिड़की अगर बंद भी रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सीसर उठा हुआ है, ये वाला सीसर उठा हुआ है, और इधर देखो इतना सारा पानी भरा हुआ है, मतलब पूरा पूरा बर्बाद हो गया। इधर अपना माइक था रखा हुआ, ये भी खुला हुआ था, जल्दी जल्दी खोल के चले गए थे, इधर ट्रिमर था, सब कुछ सुखाना होगा वापस से यार। इधर तक तो पूरा ही भीग गया है, और ये वाला पार्ट पूरा भीगा हुआ है। यहाँ पे ये वाला कंबल रखा हुआ था, कंबल भी भीग गया है। बहुत मुसीबत है ये बारिश, लेकिन अच्छा भी लगता है और एक टेंशन भी होता है। अभी भी हो ही रहा है, देख रहे हो अभी भी बारिश हो ही रहा है। अब इसको वापस से साफ कराना होगा, पूरा का पूरा पूरा गंदा आ गया, पूरा बाहर गंदा अंदर आ गया है। बैठे बैठे तो बोर हो गए हैं, कुछ करने को है नहीं, जाते हैं देखते हैं सोहेल क्या कर रहा है। सोहेल एंड सोहेब दोनों एक ही साथ रूम में रहता है, चलो तुमको भी दिखाते हैं। अच्छा इधर इसकी वार्तालापें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। इसके भी रूम से कुछ अच्छा ही व्यू आता है, बहुत खूबसूरत सा, सामने में माउंटेन है इधर। ये अपना भी जी है, दूसरा कहीं दिख भी नहीं रहा है, इसका कूलर। ये अपना कॉरिडोर है, और इधर बालकोनी सामने में, ये इसका रूम, सामने मेरा रूम। ना मेरे ये जो स्क्रब है इस पर वैक्स गिर गया था। एक्चुअली मैं जो प्रोसेसिंग टीथ वाला काम होता है उसमें वैक्स का काम होता है, तो इसको धोने के लिए धो के सूखने के लिए रखे हैं। अब आई होप कि रात भर में ये सूख जाए। इधर अपना ऊपर वाला जो स्क्रब होता है शर्ट वाला वो है, और इधर पैंट वाला है, तो देखो अगर सूख जाए तो काफ़ी अच्छा है। बाकी जा रहे हैं अब सोने के लिए, बाकी लोग भी सो चुके हैं, और आई थिंक ज़्यादा लेट भी हो गया है, 11:51 हो गए हैं। इतना जल्दी तक हम सो मतलब कि जगते नहीं हैं, बट आज कुछ स्पेशल ओकेजन था, स्पेशल ओकेजन क्या, किसी से बात करना था, इस कारण हमको जगना पड़ गया, और नहीं तो हम जगते नहीं है जल्दी। बाकी रात भी सका सा हो चुका है, 12 बज गया लगभग, जाते हैं सोते हैं यार। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये स्पेशली हम लोगों के लिए, ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए है। आप लोग देखिए हमारे मस्ती को, हमारे शैतानी को। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा। अभी तो नया है यार, सपोर्ट कीजिए बस, और क्या। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।